नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तभी मैं ऑन ऑफ चल रहा हूँ। एनीवे, आज हम बात करने वाले हैं रैक के बारे में, यानी जिस पे आप बारबल से वर्क करते। चार प्रकार के रैक आते हैं, एक फोल्डेबल या वॉल माउंटेड बोल लो। उसके बाद आता है स्क्वाट रैक, देन उसके बाद आता है हाफ रैक, देन लास्ट है पावर रैक, या जिसको पावर केज भी बोलते हैं। सो सब रैक क्वालिटी सेम रहता है, डिफरेंस है खाली फ्रेमवर्क का और यूजेज के तरीके का। सो मैंने वॉल माउंटेड रैक से हाफ रैक पे अपग्रेड कर लिया है। ये है हाफ रैक, कुछ ऐसा दिखता है, जो कि फुटप्रिंट लेता है पावर रैक का, फीजिबिलिटी यूज़ करने का तरीका इसका स्क्वाट रैक का है। और इसका सबसे बेस्ट फीचर जो इसका अपना है हाफ रैक में ही मिलता है, वो है वेट स्टोर करने के लिए दोनों साइड पे वेट स्टोरेज पिन्स। आप कोई भी रैक खरीद लो, चाहे मतलब वॉल माउंटेड तो नहीं खरीदना, स्क्वाट रैक खरीदो या पावर रैक खरीद लो, आपको उसमें वेट स्टोर करने के लिए कुछ नहीं मिलता है। आपको एडिशनल इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं, वो साइड में रखोगे उसकी स्पेस ज़्यादा खाएगा, जो कि वाहिया चीज़ है। एनीवे, अब मुझे कोई पूछे कि कौन सा रैक खरीदना है, भाई ऑब्वियसली हाफ रैक। मैंने वॉल माउंटेड यूज़ किया, कभी मत खरीदना लालच में कि स्पेस बचाओगे, ट्रस्ट मी नहीं बचाओगे। मैंने हाफ स्क्वाट रैक यूज़ किया है, मैंने पावर रैक यूज़ किया है, वे बेटर है सबसे हाफ रैक। हाँ, अनलेस आपका बजट कम है तो आपको स्क्वाट रैक लेना चाहिए, क्योंकि स्क्वाट रैक और वॉल माउंटेड रैक की प्राइस सिमिलर है, इसका प्राइस उससे डबल है। सो अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है तो ये खरीदें, पावर रैक भी नहीं खरीदें, वो फालतू है, मतलब मेरे को पसंद नहीं आया फिजिबिलिटी के हिसाब से, स्पेशली होम जिम के लिए। अगर आपको ख़रीदना है कभी इक्विपमेंट रिलेटेड टू पावर रैक, मतलब रैक वगैरह या बेंच, तो सीज फिटनेस से ख़रीदें, क्योंकि इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। हाँ, मैंने सीज फिटनेस से ख़रीदा है। फाइनली ये गाइड पूरा होता है, जिसमें डंबल्स, बेंच, बाबल, प्लेट और फाइनली रैक, ये पांच चीज़ें हैं जो आपको एक हेवी होम जिम सेटअप के लिए चाहिए। अगेन, हेवी होम जिम सेटअप, दैट मीन्स आप उसको लाइफ लॉन्ग यूज़ करेंगे। अगर आपको लाइफ लॉन्ग के लिए यूज़ नहीं करना है तो सिंपली डंबल और एक एडजस्टेबल बेंच खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आज का एपिसोड होता है यहीं समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग।